ग्रेटर नोएडा वेस्ट जोन के टेक जोन 4 में अम्रपाली ड्रीम वैली कंस्ट्रक्शन साइट में अब तक 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लिफ्ट गिरने के दौरान मजदूरों ने जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। मजदूरों ने अपने सामने मौत देखी, अचानक से तेज आवाज आई, जब तक कोई कुछ समझ पाता लिफ्ट नीचे आकर गिर चुकी थी। वहां धुआं भरा नजर आ रहा था, धूल छटी तो 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस प्रोजेक्ट में शुक्रवार को हुए लिफ्ट हादसे में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस को पता चला कि जिस लिफ्ट में दुर्घटना हुई उसमें पहले से गड़बड़ी थी। ये जानकारी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और ठेकेदार एजेंसी के जिम्मेदारों को भी मालूम थी। इसके बाद भी ना तो लिफ्ट ठीक कराई गई और ना ही उसे बदला गया। पुलिस के मुताबिक जानबूझकर निर्माण स्थल पर लापरवाही की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने ठेकेदार एजेंसी NBCC के अधिकारियों और साइट इंचार्ज समेत 10 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया कि यह हादसा सुबह 9 बजे के करीब हुआ। NBCC या ठेकेदार गिरधारी कंस्ट्रक्शन की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई। घटना को छिपाने की कोशिश की गई। पुलिस ने गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन के GM हरीश शर्मा, ऋषभ अरोड़ा, लवजीत, NBCC के GM विकास और आदित्य, मैकेनिकल इंचार्ज राहुल, साइट इंचार्ज देवेंद्र शर्मा, सुनील और स्पैनटेक लिफ्ट कंपनी के शैलेंद्र समेत दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जो सर्विस लिफ्ट टूट कर गिरी है वो C12 टावर के सामने लगी थी। इस टावर में 21 मंजिल बन चुकी है। इसमें बाहर से लगी लिफ्ट से मजदूर पुताई और POP करने के लिए ऊपर के फ्लोर पर जा रहे थे। लिफ्ट ने 11वीं मंजिल पर झटका दिया, फिर 12वीं मंजिल पर लिफ्ट के मोटर वाले हिस्से और बाकी के हिस्से के बीच में लगे वायर और केबल पर जहां लिफ्ट जा रही थी उसका ग्रिपिंग वायर टूट गया। इससे मोटर का ही हिस्सा ऊपर रह गया और 9 मजदूरों के साथ लिफ्ट धड़ाम से नीचे आ गिरी। 15 सितंबर को मौके पर ही 4 मजदूरों की मौत हो गई और आज 4 और मजदूरों की मौत की खबर आई है।